मंझावली ब्रिज की अपडेट नंबर 3 में आप सभी का स्वागत है। ये अपडेट हम देखने वाले हैं 5.5 महीनों के बाद में। ये ब्रिज बनाया जा रहा है नोएडा, ग्रेटर नोएडा और फरीदाबाद के बीच ट्रेवल टाइम कम करने के लिए। इस प्रोजेक्ट का काम काफी सालों से किया जा रहा है और अभी भी काफी काम बाकी है। ये प्रोजेक्ट है हरियाणा PWD का। यमुना रिवर के ऊपर 630 मीटर लंबे 4 लेन के ब्रिज का काम काफी महीनों पहले पूरा हो चुका है। दोनों तरफ की अप्रोच रोड का काम बाकी है। इस ब्रिज से फरीदाबाद जाने के लिए मंझावली, चीरसी, जसाना, नाचोली और फरीदाबाद सेक्टर 88 से होते हुए जो रोड फरीदाबाद बाईपास में जाके मिलती है उसको अपग्रेड किया जा रहा है। इसमें मंझावली और चीरसी गांव के बाहर नया बाईपास बनाया गया है। मंझावली ब्रिज तक पहुंचने के लिए एक रास्ता और है तिगांव होते हुए, लेकिन इस रोड की हालत काफी खराब है। फरीदाबाद बाईपास की तरफ स्टार्टिंग में इस रोड का काम किया जा रहा है। रिवर से पहले यूपी वाली साइड में यहां तक ही अभी अर्थवर्क का काम है। मैप में भी देख सकते हो, यहां पे राइट साइड में होगा इंटरचेंज यमुना एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे में, जिसका काम अभी शुरू होना है। रिवर से पहले पिछली अपडेट में काम बंद था, इस बार वापस से अर्थवर्क का काम चालू हो चुका है। ब्रिज के ऊपर राइट साइड में मैस्टिक पैड का काम किया जा रहा है। पिछली अपडेट तक डेक स्लैब का काम था, लेकिन क्रैश बैरियर्स को पेंट करने का काम पिछली अपडेट में ही हो चुका था। रिवर क्रॉस करने के बाद में स्टार्टिंग वाले एरिया में अर्थवर्क की अच्छी खासी प्रोग्रेस है। यहाँ पे अर्थवर्क लगभग पूरा है। यहाँ नीचे की तरफ है लाइट व्यू पी, जिसका काम पिछली अपडेट में किया जा रहा था। सामने की तरफ ये है मंझावली गांव, तो गांव के पास में यहां से स्टार्टिंग हो जाती है बाईपास की। ये तकरीबन 2 किलोमीटर का बाईपास है। पिछली अपडेट में इस पूरे स्ट्रेच में अर्थवर्क का काम किया जा रहा था, इस बार देख सकते हो रोड लेइंग हो चुकी है। यहां से राइट साइड में जाएंगे तो मंझावली गांव के अंदर चले जाएंगे और लेफ्ट साइड में तिगांव की तरफ। इस पॉइंट से आगे की साइड में बाईपास के ऊपर सबग्रेड का काम था, इस बार आप देख ही रहे हो रोड लेइंग हो चुकी है। तो यहां पे आके एंड हो जाता है बाईपास। पिछली अपडेट इस पॉइंट की ये थी, तो देख सकते हो पिछली अपडेट में सबग्रेड का काम था। यहां से आगे की साइड में भी चीरसी गांव की तरफ रोड लेइंग हो चुकी है। अब मैं आ चुका हूं चीरसी गांव के बाईपास के स्टार्टिंग पॉइंट पे। पिछली अपडेट में स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर सबग्रेड का काम था और आगे की साइड में अर्थवर्क का काम पेंडिंग था। इस बार आपको नजर आएगा बाईपास का काम पूरा हो चुका है। ये तकरीबन 1.2 किलोमीटर लंबा बाईपास है। गांव के एंडिंग वाले एरिया में ये एक छोटा सा स्ट्रेच है जहां पे काम बाकी है। यहां से आगे की साइड में जैसाना गांव की तरफ देख सकते हो रोड लेइंग हो चुकी है।
अब मैं निकल के जा रहा हूँ जैसाना गांव के अंदर से। यहाँ पे राइट साइड का ये एक छोटा सा पैच है जहाँ पे काम किया जाना है। गांव से आगे की साइड में भी रोड लिंग हो चुकी है। ये आ जाती है वेस्टर्न डीएफसी। वेस्टर्न डीएफसी से फरीदाबाद की तरफ आने के बाद यहां से आगे की साइड में रोड वर्क होना है। यादव चौक से आगे की साइड में रोड लिंक हो चुकी है। अब यहां से तकरीबन 3.5 किलोमीटर इसी रोड के ऊपर जाने के बाद में आ जाएगा फरीदाबाद बाईपास। यहां से आगे की साइड में रोड की कंडीशन ठीक है। ओके, अब 5.5 महीनों की प्रोग्रेस की बात की जाए तो ब्रिज तक पहुंचाने वाली रोड का काम काफी तेजी से किया गया है। पिछली अपडेट तक मेरे को उम्मीद नहीं थी इतना काम हो जाएगा। ब्रिज का सिविल वर्क पूरा है, रोड लेइंग, लेन मार्किंग और स्ट्रीट लाइट्स को लगाने का काम बाकी है। अब मेजर काम बाकी है रिवर के दूसरी वाली साइड में यूपी की तरफ। अगर अब लगातार काम किया जाता है तो ये प्रोजेक्ट इस साल के लास्ट में जाके रेडी हो जाएगा होपफुली। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। यहाँ तक देखने के लिए इस वीडियो को धन्यवाद।